मानव सेवा बायोमेडिकल कॉलेज अंजन गांव सुजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइस क्लास का टॉपिक है कार्पल बोन्स। ठीक है, हमने एक्चुअली लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट किया था कार्पल बोन्स, लेकिन उसमें का एक पार्ट रह गया था तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में कार्पल बोन्स ये स्टार्ट किया था। हम लोग पढ़ रहे थे कार्पल बोन्स। हमने कार्पल बोन्स में देखा है कि कार्पल बोन सबसे पहले तो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में का एक पार्ट है। जैसे हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट किया था, उसमें देखा था हमने अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में टोटल बोन्स हमने देखे थे, यहाँ पे कितने बोन्स देखे थे? अपर एक्सट्रीमिटी में सर 64। हाँ, 64, और लोअर में 62। फिर यस अपर सर। एक्सट्रीमिटी में जैसे 64 बताया हमने, तो ये पेयर बोन्स है, तो इसमें से जो 32 रहेंगे हमारे राइट हैंड में और 32 लेफ्ट हैंड में। ठीक है, अब अपर एक्सट्रीमिटी में हमने स्टार्ट किया था बोन्स, फिर एक एक बोन्स को हमने ब्रीफली देखा। तो अपर एक्सट्रीमिटी में के जो 32 बोन्स है, उसमें के जो पहले 5 बोन्स का ग्रुप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। अब उसके आगे का पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कार्पल बोन्स। और ये कार्पल बोन्स हमने देखे कि 8 बोन्स है ये कंप्लीट, जिनका नाम है, क्या क्या नाम है इनका? सर टाइपोजियम, टाइपोजॉइड, ट्राइक्यूट्रम, हाँ एमेट, ल्यूनेट, कैपिटेट और पीसी फॉर्म एंड स्कैफॉइड। यस, बढ़िया। तो ये 8 बोन्स हैं हमारे, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ट्राइक्यूट्रम, लूनेट, हेमेट, कैपिटेट, स्केफॉइड एंड पीजी फॉर्म। ऐसे 8 बोन्स हमारे कार्पल बोन्स हैं, मतलब हमारे रिस्ट बोन। ये जो कलाई है हमारी, ये 8 बोन से बनी है। अब कार्पल बोन्स हमने देखा था कि ये शॉर्ट बोन्स है, छोटे बोन्स है, जिनके 6 सरफेस रहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? तो इनका काम है हमारे हैंड को और हमारे फोर आर्म को जॉइंट करना। फोर आर्म में 2 बोन्स रहते हैं, रेडियस एंड अल्ना, मतलब थंब की तरफ से रेडियस रहेगा और स्मॉल फिंगर की तरफ से अल्ना। ये दोनों बोन्स को हमारे हैंड से जॉइंट करना है। ये पूरा हैंड है, मतलब फिंगर, पाम, फ्रंट साइड, बैक साइड, ये पूरा इसको हैंड बोलते हैं। तो इसको जॉइंट करने का काम करता है हमारे कार्पल्स। इसको और एक वर्ड बताया था हमने, कार्पस, CARPUS, कार्पस। ठीक है, फिर इसमें बताया हमने कि 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस में से जो 2 सरफेस है, मतलब पामा साइड और डोर्सल साइड, ये सरफेस कैसे है? रफ सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट्स का अटैचमेंट होता है, लिगामेंट्स यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, अब पामा साइड क्या है? तो ये हमारा हथेली है, अंदर का साइड, पाम की तरफ, इसलिए इसको पामा साइड बोला है, या फिर एंटेरियर साइड बोलते हैं, मतलब अंदर की तरफ, इसीलिए, और बाहर की तरफ है इसलिए इसको पोस्टेरियर साइड या फिर डोर्सल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुए साइड्स हमारे। यहाँ तक देखा था हमने कार्पल बोन्स के बारे में। फिर उसके बाद में देखा था हमने कि ये जो 8 बोन्स है, इनका अटैचमेंट हो रहा है एक दूसरे से, या फिर सामने या पीछे के बोन से। सामने पीछे मतलब एक तो एक ग्रुप ऐसा रहेगा लिगामेंट का जो इनको आपस में जॉइन करेगा, ये जो 8 बोन है इनको आपस में पकड़ के रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, और एक ग्रुप है जो इनको ऊपर से, मतलब मेटाकार्पल से, और नीचे से, मतलब फोर आर्म से, इनसे भी जॉइन करेगा। इनका ग्रुप अलग था। ठीक है, तो ऐसे 2 ग्रुप है इसके लिगामेंट्स के जो अटैचमेंट करते हैं। इसमें से फर्स्ट ग्रुप हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, जिसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन। ठीक है, तो 2 ग्रुप कौन से बताए थे मैंने? लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन, जो रिस्ट को फोर आर्म से ज्वाइन करते हैं, ये है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन। और सेकेंड ग्रुप था इसमें लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स,
मतलब ये जो इंटरकार्पल मतलब ये जो कार्पल्स है बोन, उनको आपस में जो ज्वाइन करता है उसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स। ऐसे दो ग्रुप हमने बनाए थे, ठीक है। अब जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन। तो ये रिस्ट बोन हमने देखा था इसमें कि जो लिगामेंट्स है यहाँ पे ये अटैचमेंट कर रहे हैं हमारे फोर आर्म और कार्पल्स का, मतलब रेडियस बोन का एंड अल्ना बोन का हमारे कार्पस बोन से। इतना हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसमें हमने पांच लिगामेंट देखे थे। ये पांच लिगामेंट क्या करते हैं, कुछ सामने की तरफ से कुछ पीछे की तरफ से हमारे कार्पल बोन्स को ज्वाइन करते हैं फोर आर्म के बोन्स से, ठीक है। मतलब कार्पस जो रहेंगे एट और अल्ना रेडियस, ये फोर आर्म इनको जो ज्वाइन करते हैं पीछे की तरफ से और सामने की तरफ से। तो इनका ग्रुप देखा था हमने पांच लिगामेंट का। तो पांच लिगामेंट कौन से थे, वो नाम बताइए उनका। रेडियल को लिगामेंट एंड अल्नर को लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, और वो तीन जो है वो याद नहीं आ रही, अल्नो ओके okay। ल्यूनेट लिगामेंट। हाँ और पामर रेडियो अल्नर लिगामेंट, यस ग्लेनो होमरल करके एक लिगामेंट होता है, यस रेडियल एट्रिकुलर लिगामेंट, यस और पामर पामर ओके यस रेडियल। तो जो लिगामेंट्स हमने देखे थे, पांच लिगामेंट देखे थे लास्ट लेक्चर में, जो हमारे कार्पस मतलब कार्पस बोन्स और फोर आर्म को ज्वाइन करता है, जिसके नाम बहुत इजी है, उसके पार्ट्स पे ही बेस है। फर्स्ट लिगामेंट था रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, मतलब रेडियस की तरफ से ये लिगामेंट अटैच करती है, ठीक है ना। ऐसे इसका लोकेशन लेटरल रहेगा, इसलिए इसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, मतलब रेडियल रेडियस हमारा और कार्पस बोन ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है, और रेडियल साइड से कोलैटरल साइड से, इसलिए इसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा जो रेडियस है उसका जो स्पैनिंग प्रोसेस है वो कनेक्ट होता है हमारे स्केफॉइड बोन से, मतलब हमारा जो कार्पस में एक बोन है यहाँ पे स्केफॉइड नाम का, तो वो और रेडियस यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिगामेंट कौन सा है, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो हमारे रेडियस को और स्केफॉइड बोन को अटैच करती है। सेकेंड है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। अब इसके नाम में भी दिया है कि अल्ना ज्वाइंट हो रहा है कार्पस से लेकिन लेटरल साइड से, मतलब ऐसे ये हमारा अल्ना है, स्मॉल फिंगर की तरफ अल्ना रहता है, तो अल्ना और हमारा कार्पस है भी ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। इसमें कौन से बोन ज्वाइंट होंगे, इसमें अल्ना ज्वाइंट होगा नीचे से और ऊपर से, मतलब कार्पस में से हमारा ट्राइक्यूट्रम और पिजीफॉर्म, ऐसे दो बोन यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है। तो ये लिगामेंट का नाम है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। थर्ड लिगामेंट देखा था हमने पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। अब इसके नाम में है पामर मतलब पाम साइड से, मतलब एंटेरियर साइड से, ठीक है, इसलिए पामर बोला ऐसे। और रेडियो कार्पल मतलब हमारा जो रेडियस बोन है, ये रेडियस बोन है और कार्पस ये दोनों को ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट इसका नाम है। इसमें कौन से बोन अटैच हो रहे हैं, तो इसमें रेडियस में से जो स्केफॉइड सॉरी स्टेलॉइड प्रोसेस है वो अटैच हो रहा है, और कार्पस में से चार बोन अटैच हो रहे हैं जिनका नाम है स्केफॉइड, लूनेट, देन ट्राइक्यूट्रम एंड कैपिटेट। ऐसे चार बोन यहाँ पे अटैच होते हैं अंदर की तरफ से, ठीक है। फिर फोर्थ लिगामेंट देखा हमने
डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट, मतलब ये डोर्सल साइड से लिगामेंट अटैच होंगे। अब डोर्सल साइड से भी हमारे रेडियस अटैच होंगे हमारे कार्पस बोन से, इसे इसका नाम पड़ा है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। इसमें रेडियस से तीन बोन अटैच होते हैं जिनका नाम है स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। और पांचवा देखा था हमने इसका पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट, मतलब पामर यस साइड से हो सर। रहा है लेकिन अल्ना और कार्पल यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन से बोन अटैच होंगे? तो इसमें जब बोन अटैच होते हैं तो यहाँ पे हमने तीन लिगामेंट देखा था, मतलब अल्ना का, और जब कार्पस का ज्वाइनिंग होता है तो उसके सब डिवीजन होते हैं, वहाँ पे तीन लिगामेंट और होते हैं जिनका नाम है अल्नो कैपिटेट, अल्नो ट्राइक्विट्रल और अल्नो लूनेट। लुनेटेड अल्नो कैपिटेट क्या करेगा? हमारे अल्ना को कैपिटेट से ज्वाइन करेगा। अल्ना ट्राइक्विट्रल का क्या करेगा? अल्ना ट्राइक्विट्रम से अटैच होगा और अल्नो कौन सा रह गया इसमें? लूनेट। तो लुनेट लूनेट नाम का जो कार्पस है वो ज्वाइन होगा अल्ना से। ठीक है, तो ऐसे हमने पांच लिगामेंट देखे लास्ट लेक्चर में। तो इन पांचों का ग्रुप का नाम है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन, मतलब ऐसे लिगामेंट जो हमारे रिस्ट बोन मतलब कार्पस को हमारे रेडियस अल्ना से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग न्यू स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ एंड ऑफ इंटरकार्पल बोन, मतलब अब नीचे ज्वाइनिंग हो गया, ये जो कार्पस जो बोन है एड बोन उनका नीचे ज्वाइनिंग हो गया, अब अंदर भी ज्वाइंट है वो एक दूसरे से, तो वो जो लिगामेंट्स है उनका नाम है इंटरकार्पल लिगामेंट, मतलब एक दूसरे से आपस में वो ज्वाइनिंग है। तो ये ग्रुप में भी पांच लिगामेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं, तो आपको समझ में आएगा ये। तो ये है हमारे कार्पस बोन, मतलब कार्पल्स बोन जो आठ बोन है, यहाँ पे कलर दिया है और साइड में कलर के सामने नाम दिया कि कौन से कलर का कौन सा बोन है। तो जो हम लोग अभी सेकेंड ग्रुप देख रहे हैं जिसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स, इसके अंडर में पांच लिगामेंट है। फर्स्ट लिगामेंट का नाम है रेडिएट कार्पल लिगामेंट, लिख लीजिए रेडिएट कार्पल लिगामेंट, RADIAT रेडिएट कार्पल लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या करेगा? ये लिगामेंट अंदर की तरफ से मतलब पामर साइड से अटैच करेगा हमारे कार्पल बोन्स को। ठीक है, और वो बोन्स कौन से रहेंगे जो अटैच होंगे? उनका नाम है कैपिटेट, मतलब ये यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो बोन है कैपिटेट, ये अटैच होगा सबसे पहले स्केफॉइड से, इससे फिर लूनेट से मतलब इससे, और फिर ट्राइक्विट्रम से मतलब ग्रीन वाले से, ऐसे ये अटैच होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सर लिगामेंट क्या कैपिटेट हुआ? अटैच होगा, सॉरी, कैपिटेट अटैच होगा ये तीनों बोन से। हाँ कैपिटेट अटैच होगा ये तीनों बोन से, स्केफॉइड लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। सर ठीक है, तो फर्स्ट लिगामेंट का नाम देखा हमने रेडिएट कार्पल लिगामेंट, जिसमें लिगामेंट्स अटैच करते हैं हमारे कार्पल बोन्स को अंदर की तरफ से पामर साइड से, और वो बोन का नाम है कैपिटेट स्केफॉइड लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम, मतलब जो बीच में का जो बोन है जिसका नाम है कैपिटेट, वो अटैच होगा स्केफॉइड से फिर लूनेट से और ट्राइक्विट्रम से, ऐसे तीनों बोन से ये अटैचमेंट करेगा। सर, स्केफॉइड बोन अटैचमेंट करेंगे ना सर? नहीं देखिए, बीच का जो बोन है ना कैपिटेट, ये जो बीच का यस बोन सर, है वही तीनों को अटैचमेंट दे रहा है, स्केफॉइड को ऐसा फिर लूनेट को और इधर से ट्राइक्विट्रम को, ऐसे वो अटैचमेंट करेगा। सर क्या नाम बताया आपने उसका? रेडिया कार्पल रेडिएट, लिगामेंट,
रेडिएट है ए क्या? डी आई ओके ए सर, डी ई रेडिएट कार्पल लिगामेंट। ओके सर, अब इसका इसमें अब नेक्स्ट लिगामेंट है ये ग्रुप में जिसका नाम है डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। अब डोर्सल मतलब इसके नाम में ही दिया है कि डोर्सल मतलब ये बाहर से रहेगा पोस्टेरियर साइड से, और ये लिगामेंट्स क्या करते हैं ये ट्रांसवर्सली चलते हैं ऐसे, मींस ऐसे पूरे ये लिगामेंट्स का बैंड होता है पूरा, मतलब एक रीम होती है एक बंडल होता है जो ट्रांसवर्स होता है ऐसे आड़े, और बाहर की तरफ से ये पूरे जो कार्पल बोन्स है उनको अटैचमेंट करेंगे उनको कनेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। फिर उसी तरह थर्ड नंबर का है पामर इंटरकार्पल लिगामेंट, मतलब ये सेम लिगामेंट्स रहेंगे अटैचमेंट्स लेकिन अंदर की तरफ से, जिसे पूरे बोन है ये अटैच रहेंगे ट्रांसवर्सली, मतलब ऐसे आड़े बैंड से रहेंगे ये लिगामेंट्स के, और ये अंदर की तरफ से इसलिए इसका नाम है पामर इंटरकार्पल लिगामेंट। फिर नेक्स्ट है इसमें इंटरोसियस इंटरकार्पल लिगामेंट, इनका नाम लिख लीजिए INTEROSSEOUS। INTER इंटर ओ सी एस OSSEOUS इंटरओसियस इंटरकार्पल लिगामेंट। अब ये लिगामेंट्स क्या है तो ये दो बंडल्स रहते हैं, नैरो नैरो बंडल रहते हैं दो। ठीक है, ये एडजेसेंट सरफेस को अटैच करेंगे, मतलब ये जिसका एडजेसेंट सरफेस रहेगा ऐसा, फिर ये इसको इसको बोलते हैं एडजेसेंट सरफेस, मतलब साइड की जो सरफेस है वो सरफेस पे ये जॉइनिंग कर रहा है ये लिगामेंट। ठीक है, तो ऐसे लिगामेंट जो हमारे कार्पल बोन्स को एडजेसेंट सरफेस पे जॉइंट करता है उसे बोलते हैं इंटरोसियस इंटरकार्पल लिगामेंट। मतलब एक बोन दूसरे बोन से रहेगा जॉइंट, दूसरा बोन तीसरे बोन से, तीसरा बोन चौथे बोन से, ऐसे एडजेसेंट सरफेस पे वो जॉइनिंग करेंगे। ठीक है, और लास्ट फिफ्थ नंबर का लिगामेंट है इसका नाम है पीजो हेमेट लिगामेंट, स्पेलिंग लिख लीजिए इसका पीजो PISO HAMATE। पीजो हेमेट लिगामेंट, तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन से बोन को अटैचमेंट करेगा, कौन से बोन को करेगा? यस, हैमेट बोन को करेगा पीसी फॉर्म से, पीसी फॉर्म का पीजो लिया इन्होंने और हैमेट का हैमेट, तो पीजो हैमेट मतलब ऐसा लिगामेंट जो हमारे पीजी फॉर्म को, मतलब ये जो येलो वाला दिख रहा है वो, और हैमेट मतलब पिंक वाला, इनको ज्वाइन करेगा, तो ये लिगामेंट का नाम है पीजो हेमेट लिगामेंट। तो ऐसे हमने यहाँ पे पांच लिगामेंट देखे। ओके, तो आज का जो हमने ग्रुप देखा पांच लिगामेंट का, उसका नाम था लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स, मतलब ऐसे लिगामेंट जो हमारे कार्पल बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। ओके, तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, आज हमने न्यू टॉपिक देखा यहाँ पर लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स, मतलब ऐसे लिगामेंट्स जो हमारे कार्पल को इंटरनली एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए हमने पांच लिगामेंट,
जिसमें फर्स्ट लिगामेंट था रेडिएट कार्पल लिगामेंट, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, रेडिएट इंटरकार्पल लिगामेंट, ये हमारे पामा साइड में है अंदर की तरफ, और हमारे बोन्स को अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे चार बोन एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिनका नाम है कैपिटेट, स्कैफोइड, लूनेट एंड ट्राइक्यूट्रम। मतलब हमारा जो कैपिटेट है वो बीच में रहेगा यहाँ पर, और नीचे वो अटैच करेगा तीनों बोन को, स्कैफोइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रम, ऐसे। और इंटरनली पामा साइड से सेकेंड लिगामेंट देखा हमने इसमें, डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। मतलब ये जो पूरे लिगामेंट, पूरे जो बोन्स है वो एक दूसरे से अटैच है डोर्सली, मतलब बाहर की तरफ से। और ये जो लिगामेंट्स ऐसी ट्रांसवर्स रहती है, मतलब ऐसी आड़ी, ठीक है, इसलिए इसका नाम है डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट, बाहर की तरफ से लेकिन ट्रांसवर्स रहेगी ये। ऐसे ये जो डायरेक्शन है इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। फिर थर्ड लिगामेंट है पामर इंटरकार्पल लिगामेंट, मतलब ये भी ट्रांसवर्स रहेंगे लेकिन अंदर की तरफ से, ये भी सभी बोन्स को अटैच करती है। फोर्थ देखा हमने इंटरोसियस इंटरकार्पल लिगामेंट, मतलब ये जो कार्पस बोन है वो एक दूसरे से एडजेसेंट सरफेस से जॉइंट है। मतलब यहाँ पे एक बोन है, उसके साइड में एक बोन है, फिर उसके साइड में एक बोन है, तो ये एडजेसेंट सरफेस पे जॉइंट हो रहा है, ठीक है। और पांचवा हमने देखा पीजो हैमेट लिगामेंट, मतलब जो हमारा पीजी फॉर्म है और हमारा हैमेट बोन है वो दोनों अटैच होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ पीजी हैमेट लिगामेंट। तो ऐसे पांच लिगामेंट हमने इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन बोन्स में दिखाया आज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स, ठीक है। फिर आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानसिया पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।